आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइफ 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइफ 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से। योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी का प्रतिम बांदा आगमन पर कालू कुआं चौराहे पर जिला अध्यक्ष विजय करण यादव व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सपा नेता युवा समाज सेविका नीलम गुप्ता ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात उनको काफिले के साथ कार्यालय पहुंचे और वहां पर योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष को राधा कृष्ण की मूर्ति देकर सम्मानित किया। सम्मान उपरांत प्रतिवाद में योजन प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोला। बोलते हुए कहा कि भाजपा में किसान मजदूर रेडी वालों पर जुल्म हो रहा है, हमारी सरकार के किसान मजदूर का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिला अध्यक्ष विजय करण यादव ने भी किसानों के वकालत के सपा नीति व युवा समाज सेविका नीलम गुप्ता ने कहा कि सपा सरकार में ही मजदूरों किसानों के हित होता है व उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। सपा सरकार में भयमुक्त समाज रहता है। योजन अध्यक्ष ने आने वाले पंचायत चुनाव 2022 के भी चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर नई ऊर्जा दी। जिला संवाददाता इबाद सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। इसीलिए हम लोग अंदर नारा बोल रहे हैं कि जय जवान